आज हम जानकर लेंगे एक ऐसे बिजनेस की, अगर आप किसी एम्प्लॉय को या किसी मजदूर को रखकर भी ये बिजनेस करते हैं तो रोजाना 4,000 रुपये आप कमा सकते हैं। अगर आप फ्रेंचाइजी बेस पर अगर ऐसे सेटअप 10 जगह लगाते हैं तो रोजाना आप 40,000 रुपये भी कमा सकते हैं। मेरे साथ ही बिजनेस की जानकारी देने के लिए श्री एंटरप्राइज से परशुराम जी। सर, ये बताइए कौन सा ऐसा बिजनेस है जो रोजाना 40,000 रुपये भी कमा के दे सकता है? बिल्कुल सर, ये बिजनेस ऐसा, अभी आप वीडियो में बने रहिए, आपको आज बहुत मजा आने वाला है और पूरी जानकारी मिलेगी कैसे आप 40,000 रुपये कमा सकते हैं। सर देखिए, पैसा तो एक चाय बेच के भी लोग करोड़पति हैं, तो आप किस सोच के साथ उस व्यापार को करते हो ये चीज़ मैटर करता है। तो आप 4,000 भी कमा सकते हैं, आप 40,000 भी कमा सकते हैं और उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। यानी साथियों, बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, अगर आप दिमाग लगा के इस काम को करते हैं 40,000 नहीं 80,000 रुपये भी आप कमा सकते हैं इस बिजनेस से, क्योंकि ये बहुत ही सेल होने वाली आइटम है। अब यहाँ पर मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये बिज़नेस कौन सा है। तो इसको आसानी से आप कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं, देख सकते हैं आप बिल्कुल इस तरीके से। जैसा फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं, इसको बिल्कुल आप किसी भी, आपका ऑलरेडी एडजस्टिंग बिजनेस हो, कहीं तो शॉप हो आपका, आप वहाँ लगा सकते हैं या जहाँ भी पब्लिक स्पॉट हो वहाँ पर लगा कर आप बहुत भी आसानी से इसमें से बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। और जैसे हम देखते थे पहले, नॉर्मल ट्रेंड रहता था कि अपन चाय के ठेले लगते थे, चाय दुकान, लेकिन आज देख रहे हैं आज चाय की पूरी ब्रांडिंग हो रही है और चाय की पूरी जो है चेन बन रही है। तो आप इसमें भी बिल्कुल ब्रांडिंग करके, अपना ब्रांड बनाकर आप इसको बिल्कुल स्केलेबल मॉडल पर ये बिजनेस कर सकते हैं और काफ़ी सारे काउंटर्स लगाकर आप इसमें बिजनेस कर सकते हैं और अपना जो भी आप ब्रांडिंग करके अपना ट्रेडमार्क लेकर बहुत ही बड़ा बिजनेस इससे आप खड़ा कर सकते हैं। और दोस्तों, ये इतना अट्रैक्शन है, इतना अट्रैक्टिव है कि जिस जगह भी लगेगी पब्लिक, यहाँ पर ऑटोमेटिकली पब्लिक अट्रैक्ट होकर आ जाएगी। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कार्ट है, ये आप मूव भी कर सकते हैं या कहीं पर भी फिक्स भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं प्रोसेस बताता हूँ आपको कि ये देखिए, ये जो आइस है, ये आइस कैसे इसमें डालना है, ये देख सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर 2 कंटेनर दिया हुआ है, ये 2 कंटेनर में से 1 कंटेनर में हमको ये यहाँ साइड में आइस डालना है, जिससे क्या होगा, इसके अंदर जो क्वाइल्स आप देख रहे हैं ये पूरी क्वाइल जो है एकदम चिल्ड रहेगी फ्रेंड्स। और जो हम इसमें से नारियल पानी डालेंगे वो इस क्वाइल के थ्रू प्रॉपर जब वो घूम के आएगा तो वो भी एकदम चिल्ड होकर निकलेगा। तो ये आइस डालने का प्रोसेस है, काफ़ी ईजी है। और जो हम बाजू वाला जो आप कंटेनर देख रहे हैं उसमें हमको नॉर्मल, कई लोगों को अगर ठंडा नहीं चाहिए रहेगा तो वो वहाँ पर से नॉर्मल हम कोकोनट वाटर निकाल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ऐड कर दिया हमने आइस इसमें। अब ये देखिए, हम इसका जो कवर है, ये कवर लगाना है हमें, ये कवर लग गया। उसके बाद हमको ये इसका जो जाली है, छन्नी है, जिससे जो भी हम नारियल इसमें पानी को पलटी करेंगे तो प्रॉपर उसमें से छन के आएगा। और फिर ये कैप है इसका, ये पूरा सेट हो गया है। अब देखते हैं हम इसमें से कैसे नारियल कटिंग होगा, कैसे इसमें से हम उसको ड्रिल करेंगे और किस तरीके से प्रोडक्ट निकलेगा, ये पूरा वर्किंग आपको दिखाते हैं। ये देखिए स्टोरेज है इसका, आप देख सकते हैं, ये हमने 180 से 200 कोकोनट का स्टोरेज दिया हुआ है। अभी हमने कुछ सैंपल के लिए डाला हुआ है, अभी देखिए आपको यहाँ से आराम से आप स्टोरेज से निकाल के इस पर कैसे वर्किंग होगा। तो ये देखा, जैसे आपने हम ये नारियल लिए, अब इसको हम दिखाते हैं। सबसे पहले ये कटिंग होगा, ये पूरी स्टेनलेस स्टील बॉडी से बनी हुई है, प्योर हाइजेनिक है। ये जैसे कट हो चुका है, अभी हम दिखाएंगे ये ड्रिल होगा, ये देखिए ड्रिल हो गया। अब जो ये वाटर है, अगर हमको किसी कष्ट को चिल्ड चाहिए, जिनको ठंडा कोकोनट पीना है, तो हम ये कैबिनेट में डाल देंगे। ये जो है आप देख सकते हैं, इसमें से जो भी है कोकोनट वाटर पूरा ये जाली के थ्रू उसमें से छन कर अंदर चला जाएगा। अब ये देख सकते हैं, अब ये आपको नॉर्मल वाला भी दिखाते हैं, फिर कट करना है वापस, जैसे हमने प्रोसेस दिखाया। ये देखिए, ये कट हो गया, अब ये वापस हमको वही प्रोसेस रहेगा। अब ये जो दूसरा कैबिनेट देख रहे हैं वहाँ से आपका जो है ये नॉर्मल निकलेगा, मतलब चिल्ड नहीं होगा, और जो पहला हमने डाला हुआ है वो चिल्ड निकलेगा।
अब हम ये आपको डिस्पेंस करके दिखाते हैं। देखिए हम डिस्पेंस करके दिखाते हैं, जैसे हमने इसमें चिल्ड आइस डाला हुआ था, तो जिसको भी चिल्ड कोकोनट चाहिए वो यहाँ से आएगा इस तरीके से। ये बिल्कुल ठंडा होके निकल रहा है, तो ये जो है ये चिल्ड कोकोनट आप यहाँ से ले सकते हैं। और जो दूसरा जो हमने टैप दिखाया है उसमें से अगर किसको जिसको नॉर्मल चाहिए, किसी को कोई ठंडा पानी नहीं चाहिए नारियल वाला, नॉर्मल चाहिए जैसा है, तो वो दूसरे टैप से निकलेगा, वो भी हम आपको दिखाते हैं निकाल के। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इस तरीके से बिल्कुल हाइजेनिक तरीके से हमने इसको प्रोडक्शन किया है, कहीं पर भी कोई भी टच पॉइंट नहीं आया, हर कोई जो है ये देख सकते हैं आप, इसमें ये कैप लगेगा और ये इस तरीके से कैप लगा के इसका पैकिंग हो जाएगा, ये देख सकते हैं। और जैसे कि नारियल पानी जानते हैं आप, बिल्कुल चिल्ड हो चुका है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, ये जो इसमें आ रहा है पानी के कारण, ठंडा होने के कारण। अब हम ये आपको नॉर्मल वाला भी दिखाते हैं। सर शुरू में हमने कहा था कि रोजाना हम इस बिजनेस से 40,000 रुपये कमा सकते हैं, थोड़ा विस्तार से हो जाए। बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से आप व्यापार को कर सकते हैं। जैसे आप कोई अच्छे प्लेसेस होते हैं, जैसे आप देखेंगे कि पूरे शहर के अंदर 100 से भी ज़्यादा नारियल पानी बेचने वाले होते हैं और सबके बिकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, हमारे सेहत के लिए। और आजकल के जो नया यंग जनरेशन आ रहा है और जो अभी कोविड का समय चल रहा है, उसके बाद से लोग अपने हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। और दूसरा क्या है, जो नया जनरेशन है वो हर चीज़ हाइजेनिक पसंद करता है। तो अगर आपके सामने 10 दुकान भी लगे रहेगी तो कस्टमर आपके पास इस पे आएगा, क्यों? क्योंकि ये पूरी हाइजेनिक तरीके से इसमें आपको नारियल जो मिलेगा वो और कहीं नहीं मिलने वाला। तो अगर आप एक जगह लगाते हैं इसको, किसी सिटी के किसी अच्छे लोकेशन में भी आप, ये तो क्योंकि मूवेबल है आप कहीं भी लगा सकते हैं, और एक जगह लगा के आप एक बंदा रख के अगर 200 नारियल भी इसमें से बेचते हैं फ्रेंड्स, तो 200 नारियल, एक नारियल के पीछे आपको आराम से 25 रुपये का प्रॉफिट होना है। 200 नारियल बोलने से आप 5,000 रुपये का प्रॉफिट करेंगे। आप कितना भी बंदे को 300 रुपये 400 रुपये भी सैलरी दे देंगे, उसको रहने खाने का भी दे देंगे बाहर से बंदा ला के, तो भी आपका 1,000 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं होना है। तो आपको 4,000 रुपये एक काउंटर के पीछे बचना है, और अगर आपने मात्र 10 काउंटर भी अपने सिटी में लगा दिए आसपास में, तो आराम से आप 40,000 रुपये इस बिजनेस से एक दिन का कमा सकते हैं और उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। तो सर ये बताइए, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा? सर इसके लिए इन्वेस्टमेंट जो है, ये मशीन का प्राइस है 61,000 रुपये की ये मशीन है, और जो भी कस्टमर का लोकेशन रहेगा उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और GST है, तो कस्टमर को आप समझ सकते हैं कि करीब करीब 75,000 से 80,000 रुपये में उनको कंप्लीट ये स्टार्ट। नारियल पानी वाला अगर इसे देख रहा है, बोलेगा यार ये तो मशीन थोड़ा बड़ा है, मुझे इसे थोड़ा छोटा मशीन चाहिए, उसके बारे में? जी जी जी, उसके लिए अगर किसी का ऐसा रिक्वायरमेंट आता है तो इसके लिए हमारे पास कम प्राइस की भी मशीन है, वो लेकिन मूवेबल नहीं है, वो मात्र 19,500 रुपये की मशीन है, वो भी आप देख सकते हैं। ये हम आपको उसका भी डिटेल दिखा देते हैं इस वीडियो में, पूरी वर्किंग आप उसकी भी देख सकते हैं। चलिए साथियों, आपकी वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सर की कंपनी का नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने एड्रेस दिया हुआ है, आप उन्हें संपर्क कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे और एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।